नापो ग्रामीण के सात गांव में सरकार द्वारा पुनर्वसन की व्यवस्था किए बगैर जो 336 घर जमींदोज किए गए उसमें बेघर होने वाले नागरिकों ने अब संविधान चौक में बसेरा जमाया है ताकि वह सरकार को जगा सके। इस बीच एक अनूठी सगाई संविधान चौक पर की गई जिसकी चर्चा पूरे शहर में जोर पकड़ रही है। आम नागरिक अपनी खुशियां अपने घर के आंगन में मनाता है, भले ही आशियाना छोटा हो या बड़ा। अब अगर आपकी खुशी के मौके पर यदि आपका आशियाना जमींदोज किया जाए तो उसके लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसी बात है। ऐसी ही घटना हुई है नागपुर के ग्रामीण क्षेत्र के सात गांव हिंगना तहसील में, जहां शासन प्रशासन द्वारा बगैर कोई सुविधा किए ही 336 घर 24 अप्रैल को गिराए गए। उसी दिन सपना सोनेवाल नामक युवती की मध्य प्रदेश निवासी यशवंत वाले से सगाई होने वाली थी, लेकिन उनके सर से छत उजड़ जाने से सारे अरमानों पर पानी फिर गया। तो उस बस्ती के लोग अब 25 अप्रैल से संविधान चौक पर रह रहे हैं ताकि सरकार को जगा सके, पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी गुहार सुन सके। इसके चलते युवा परिवर्तन की आवाज के तहत 2 मई मंगलवार को वापस सपना और यशवंत की सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर पालक मंत्री फडणवीस को भी आमंत्रित किया गया था। नागपुर शहर में पहली बार इस तरह की सगाई हुई है जो कि अब चर्चा का विषय बन गई है। सातगाव वेना हिंगना तहसील मध्ये जो येते तिथल्या ग्राम पंचायत चे 336 रहिवासी आहे, कुटुंब आहे। दिनांक 24 तारखेला यांचा घर तोडण्यात आला, अजून त्याच दिवशी हे सपना म्हणून जो मुलगी आहे सातगावमध्ये राहणारी, हिची सगाई होती, पण ते सगाई घर तुटल्यामुळे रद्द करण्यात आली। पण जो मुलगा आहे मध्य प्रदेशचा, त्यांना ठामपणे निर्णय घेतला का आपण सगाई करू, तर पुढची त्यांची तारीख ठरवण्यात आली होती 2 मई म्हणजे आजची तारीख। तर यांना 25 तारीखपासून हे लोक संविधान चौकमध्ये पालकमंत्री नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस हे न्याय देणार या अपेक्षेने संविधान चौकात बसलेले आहे। यांनी भरपूर प्रयत्न केला फडणवीस साहेब यांना न्याय देणार, शासनापर्यंत पत्रव्यवहार केले, पण शासनांनी यांची दखल घेतली नाही, पालकमंत्र्यांनी कुठेतरी यांच्या प्रश्नावर पाठ फिरवली, म्हणून आज रस्त्यावर साक्षगंध करण्याची यांच्यावर वेळ आली आहे। म्हणून मध्य प्रदेशचा हे कुटुंब जो आहे हे थेट संविधान चौकात पोहोचून ते सपना नावाच्या मुलीसोबत आज साक्षगंध आंदोलन स्थळी करत आहे। अजून हे महाराष्ट्रात नाही तर देशात झालेला हे पहिला प्रकार आहे। अजून याची सर्वस्वी जबाबदारी हे देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे पालकमंत्री म्हणून त्यांना स्वीकारास लागणार। अजून नागपूरचे पालकमंत्रीच या कार्यक्रमाचे स्वागत उत्सुक म्हणून आम्ही टाकलेला आहे इथं, त्यांनाही आम्ही निमंत्रण दिलं होतं, पण देवेंद्रजी पालकत्वाची भूमिका निभवण्यासाठी कुठेतरी कमी पडले, कुठेतरी त्यांना लाज वाटली आहे म्हणून ते या कार्यक्रमाला आले नाही, असं आम्ही आज इथं जाहीर करतो। अजून हे साक्षगंध आज इथं होऊन राहिला, एक मुलीचा एक कुटुंब कुठेतरी बसून राहिला, तर एक घरी कुटुंबाला महत्त्वाचं असते, तर कुठेतरी पालकमंत्री अजून राज्य सरकारने यांचं घर उद्ध्वस्त केलं नाही पाहिजे, यांना हक्काचा निवारा दिला पाहिजे, इतकीच आमची मागणी आहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज देखिए भारतीय संविधान ये बोलता है कि मूलभूत अधिकार रक्षण ये सरकार का, लोक प्रतिनिधियों का, शासन प्रशासन का, फिर वो आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी रहे, तो उनका ये कर्तव्य है कि लोगों की मूलभूत अधिकारों की पूर्तता करे, ये संविधान भी बोलता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि सातगांव में पिछले महीने में 24 तारीख को अतिक्रमण किया गया, 350 घरों को उध्वस्त किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि घर किसी का भी अगर उध्वस्त करना है तो उसकी पहले पूर्तता करना चाहिए, निवारे की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था ना करते हुए शासन प्रशासन ने नागपुर ग्रामीण के सातगांव में ये सारे लोगों को विस्थापित किया। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर ये सब आंदोलन हमारे युवा परिवर्तन के निहाल जी पांडे, उनके माध्यम से ये आंदोलन चालू है। आज देखिए, आज शादी के लिए लड़का लड़की की अवस्था व्यवस्था परिस्थिति गंभीर है, जब से कोरोना हुआ तब से नागरिकों की अवस्था और हालाखान है। ऐसे हालाखान परिस्थिति में उनके अगर घर उजड़ जाते हैं तो फिर घर अगर चला गया तो फिर उनके पास रहा क्या। ऐसे अवस्था में किसी लड़की की शादी, लड़के की शादी अगर होती है तो उसने वो परिवार ने क्या करना चाहिए। इसीलिए संगठन के माध्यम से अभी ये आदर्श विवाह के माध्यम से आदर्श विवाह करके यहाँ एक मध्य प्रदेश के लड़के हैं, और वो जो लड़की का घर विस्थापित हुआ है वो सपना सोनेवाल एवं यशवंत तिलोक चंद बनवाले, ऐसे ये लड़की और लड़के का साक्षगंध यानी सगाई का कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।